लो जी आपां पहुंच गए हैं जेलम दी सरजमीन ते और तुसी मेरे पीछे दरियाए जेलम दा एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जड़ा है वो वेख सकते हो। वैसे तो यह दरिया हज़ारा ही किलोमीटर दूर पहाड़ा चो निकलता है और हज़ारा ही किलोमीटर नू सैराब करदिया होया अगे वधदा है, लेकिन इस दे नाल एक मनसूब है एक शहर जिन्हू जेलम सिटी भी आख्या जाता है, जेलम भी आख्या जाता है, वही शहर इस दरिया के नाल जुड़िया होया है और उस शहर का बहुत बड़ा एक इतिहास है, एक पिछोकड़ है। सो आओ चलते हैं इस शहर वाल और इस शहर के मौजूद वो थावां वेखते हैं जो सिखां दे नाल सिख दौर दे नाल जुड़िया हुई ने। नाल दे नाल इत्थे मौजूद है एक गुरद्वारा, सो आओ उस गुरद्वारा साहब के भी दर्शन करते हैं। आप पहुँच गए हैं गुरुद्वारा साहब जो जेहलम का एक बहुत ही पुराना गुरुद्वारा साहब है। सो आओ जिथे आप गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने ने, गुरुद्वारा साहब के इतिहास बारे जानना है, उत्थे ही अज बाहरों साढ़े कोल साढ़े मेहमान आ रहे ने जो USA और कैनेडा तो ने, उन्होंने भी बहुत सारिया आप गलां करनिया ने। सो आओ आप सब तो पहले गुरु घर के दर्शन करते हैं। सो आओ चलिए गुरुद्वारा करम सिंह जी। वाह जी वाह, गुरुद्वारा साहब की एंट्री तो बहुत ही प्यारी बनी हुई है और मेरे सामने सतनाम श्री वाहिगुरु भी लिखा हुआ है, जिहदा मतलब होंदा है सच नाम, सच्चा नाम जिहड़ा है वो रब दा है, पैदा करने वाला है, बनाउण वाले दा है। और मेरे राइट हैंड साइड ते तुसी वेख सकते हो, हालांकि वेखो कितनी खूबसूरत गल है कि यह चीज़ हजे भी लिखा है, जिहड़ा रोज़ाना गुरुद्वारे का एक प्रोग्राम होंदा है सुबह शाम का, उहदी टाइमिंग लिखी है। यह वेखो गुरमुखी च लिखा है मौसमे गर्मी, यानी कि गर्मी वेले जो जो इतने पाठ होंगे सके कीर्तन होंगे सी टाइमिंग इतने लिखी है, और मौसमे सर्दी सो दा टाइम भी लिखा होया है। हालांकि 75 वरे हो चुके ने वंड नू, इहदे बावजूद भी वह प्रोग्राम इतने दर्ज है। यह बड़ी खुशाइंद गल है कि यह मिटिया नहीं और मर्दा की पाठ करन दी थां उपर है, यह भी लिखा होया है। उस वेले हो सकता है कि बीबियां जिहड़ियां सन थले पाठ कर दियां सन, मर्द जिहड़े सन उपर पाठ करते सन। और बहुत खूबसूरत एंट्री इहदी बनी हुई है, इत्थे एक होर तख्ती लगी है, इस बरांडे की सेवा बाबा अमर सिंह जी सौदागर चोब वजीराबाद ने भाई देवा सिंह की याद दे विच जिहड़ी है वह सेवा करवाई है। वेखो उन्हां लोकां दीआं यादां, यह इतिहास इत्थे दर्ज है। बहुत प्यारा और खूबसूरत इत्थे चौगाड़ लिखी हुई है, दरवाज़ा हुण इत्थे नहीं है। सो वैसे तो गुरुद्वारा नहीं चल रहा, लेकिन आपां अपने बूट उतार के गुरुद्वारा साहब के अंदर जावांगे और गुरुद्वारे साहब का यह हाल बहुत खूबसूरत बनिया होया है। मैनू बहुत सारिया इत्थे
चीज़ा नज़र आ रही ने। मैनू एक अलमारी इतने नज़र आ रही है जो एक खिच पैदा कर रही है और मैं वो वाल खिंचया जा रहा क्योंकि कारीगरी इतनी प्यारी और खूबसूरत होई हुई है। सो आप अलमारी वेखते हैं सब तो पहले। देखो जी उपर भी गुरमुखी लिखी हुई है, कुछ पढ़िया नहीं जा रहा लेकिन सतनाम श्री वाहगुरु लिखा होया है। हो सकता है यह जी अलमारी बनी है यह गुटकियां लिए बनी हुई, जिस तरह मैं अपने मुसलमान वीरों को समझावा कि जिन्हें छोटे छोटे सिपारे होंगे हैं आम लोगों के पढ़ने लिए वो ये अंदर हो सकता है। और देखो जी वाह जी वाह, अंदरों एक होर बहुत ही प्यारा। और इस अलमारी दे विचों इस लकड़ की खुशबू जड़ी है वो तुसी महसूस कर सकते हो, जो लकड़ की खास खुशबू होंदी है। कुछ इत्थे लोगों ने इटा भी रखिया ने शायद उस दौर दी, और एक पत्थर भी पिया होया है, यह उस दौर का समान है। और ये नीचे भी बहुत कुछ लिखा है, पहले मैं इनू बंद करना चाहवागा। और जो भी लोग इतने आन और जरूर है खुशबू वेख के सू दसो। देखो नीचे की जो सेवा कराई है वो श्रीमती पाग सुधी माता, कुछ इतने नाम जोड़ा है वो जोड़ा है वो दर्ज नहीं है, लेकिन ठेकेदार रावल पिंडी 1944 सन जोड़ा है वो इतने दर्ज है। यानी कि 1944 के बच्चे यह गुरुद्वारा साहब या अलमारी जोड़ी है यह बनी है। सो इतने होर बहुत सारिया चीज़ा ने। इतने एक थड़ा साहब भी मौजूद है और अपने पुरातन हालत दे विच है थड़ा साहब, और उस दौर का ही यह थड़ा बनया है। ये उपर गुरमुखी भी दर्ज है, सतनाम श्री वाहगुरु भी ये लिखा होया है। यह थड़ा साहब बेसिकली साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के प्रकाश लई उस वेले बनाया गया, क्योंकि इतने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश हुंदा सी और ये आल दवाल दे विच जड़ा है वो पाठी या सिंह जड़े ने या सिंह सिंगनिया जड़े ने वो संगत दे हिस्सा बनते सन। सो मैनू सामने होर बहुत सारिया गुरमुखी दे विच चीज़ा लिखिया दर्ज नज़र आ रही ने। सो आओ यह भी वेखते हैं जी। देखो जी गुरमुखी दे विच इत्थे दर्ज है पियो पाहुल खंडे तार होए जन्म सुहेला। सो इस तरह के बहुत सारे गुरबाणी के अक्षर जड़े ने वो इत्थे दर्ज ने। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानन होया, और इस तरह इत्थे वाहिगुरु लिखिया होया है। और इत्थे मैं वेख रहा कि गुरुद्वारे के अंदर हजे बहुत कुछ है, सो यह भी मैं तुहानू नाल नाल विखांदा वा जी। लो जी यह गुरुद्वारे की दीवारों के उपर कंधा के उपर आप वेख सकते हैं कि यदा रिस्टोरेशन का अमल भी जोड़ा है वह जारी हो चुकिया है। और ये थले एक टाइल लगी हुई है, टाइल तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वेले किस तरह मुहब्बत नाल प्यार नाल गुरुद्वारा साहब तामीर किया गया होना। और तुसीं यह वेख सकते हो दरम्यान दे विच कि एक पूरा पीस जोड़ा है एक अलग तुम नज़र आ रहा है। यह रिस्टोरेशन की गई है, यह जाँच की जाती है रिस्टोरेशन वालों कि पुराने जमाने की तरह उस चीज़ को दोबारा बहाल किया जाए। और तुसी पूरी थान वेख सकते हो कि उपर ग्रिल तक जोड़ा है उन्हें प्रिजर्व करने की एक कोशिश की गई है। पुराने दौर की जोड़ी चीज़ थी उन्होंने दोबारा उस हालत दे विच लियाण की एक कोशिश की गई है। लेकिन ये नाल नाल जोड़ी बहुत खूबसूरत गल है जो गुरुद्वारे दे विच चार चफेरे खूबसूरती होर वधा देती है। तुसी चार चफेरे एक ग्रिल वेख सकते हो जो बिल्कुल लकड़ की बनी हुई है और लकड़ दी शतीरियां इहदे अंदर लगाई गई ने। सो उपरों भी गुरुद्वारा साहब का उस वेले का एक बहुत खूबसूरत मंजर होएगा जो उपरों लोग इनू वेखते होने। लेकिन नाल दे नाल एक होर बड़ी अहम चीज़ तुसी वेख सकते हो कि थले जो पत्थर लग्या होया है यह पत्थर उसे ही दौर दा है और वैसा ही अजे तक लगा होया है। और इस पत्थर के उपर लोगों के नाम भी जड़े ने दर्ज ने। लेकिन ये नाल नाल जो मैं तुहानू उपर लैके जावां उपर आले पासे तो तुसी वेख सकते हो कि सारी की सारी छत जड़ी है वो लकड़ की बनी हुई है और वड़ियां वड़ियां छतेरियां जड़ियां ने वो लोहे दियां पाईयां हुई ने। सो उस दौर का एक बहुत ही खूबसूरत
गुरुद्वारा साहब है और इनू जदों प्रिजर्व किया जाएगा महफूज किया जाएगा तो ना सिर्फ इत्थे दे लोकां लई बल्कि जिहड़े सिख हजरात आणगे उन्हां लई भी बड़ा अहम मुकद्दस मुकाम बन जाएगा क्योंकि यह साडा विरसा है। सो आओ इत्थे गुरुद्वारा साहब वल चलदे आं और अगे होर थावां वेखदे आं जी। पिछले साल इतने शाकर दावड़ साहब डी पी ओ साहब सन डीसी साहब राव परवेज अख्तर साहब के नाल और शाकर दावड़ साहब की मेहनत के नाल उन्हां दी मदद के नाल असां ये पुलिस को गुरुद्वारा खाली करा के वैक्यूटस दे हवाले करा। लो जी तुसी मेरे पिछे वेख सकते हो कि एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस गुरु घर का क्योंकि इस गुरु घर के नाल ही दरियाए जेलम बिल्कुल नाल ही लंघदा सी। सो दसिया जाता है जिहड़ी पुरातन किताबां ने उन्हां दे विच कि आल दुआल के पिंडां दे विच लोग इस गुरु घर नूं कश्तियां दे विच सफ़र करके सो इत्थे आया करदे सन। सो मैं हुण तक जिन्ने भी गुरु घर वेखे ने मैं पहला ऐसा नज़ारा वेख रहा वा कि लोग दरिया के राही कश्तियां दे राही जो इस दरिया के दूसरे पासे पिंड होया करते सन वो कश्तियां दे राही इस गुरु घर आते और नकमस्तक होया करते। पिछले साल दसिया जाता है कि पिछले साल जिहड़ा तुसी सामने बंद वेख रहे हो क्योंकि इस तो पहले कई बार इत्थे हड़ आ चुके ने जो ना सिर्फ गुरुद्वारा साहब नूं नुकसान पहुँचाया उस हड़ ने बल्कि आल दुआल की आबादी नूं भी उहदे नुकसान पहुँचाया। इस करके हुण इत्थे एक बंद बना दिता गया है जिहदे उपर सड़क भी है और आल दुआल की जिहड़ी बाईपास एक इत्थे बन रहा है हजे। सो यह एक खूबसूरत नज़ारा होया करता सी। लोग दसते हैं कि ये उपर गुरुद्वारा साहब तो थले पौड़ियां जांदियां सन और लोग कश्तियां च आ के उतों ना सिर्फ गुरुद्वारे साहब पहुँचते सन बल्कि इस गुरु घर तो इशनान पानी का जिहड़ा सिस्टम सी वह भी दरिया के नाल सीगा। सो यह एक खूबसूरत उस वेले का बहुत प्यारा मंजर सी। सो आओ जी इत्थे होर बड़ा कुछ है अज अगे चलते हैं जी। लो जी यह जमीन के उपर बहुत सारिया तख्तियां लगिया हुई ने और तख्तियां के उपर मैं एक तख्ती के उपर मेरी जो छाती पई तो मैं वेखिया कि लगभग एक लख रुपए उस दौर दे विच टहल कराई मतलब सेवा कराई लाला अनमोल राजी डंग काले वाले। सो हो सकता है डंग इत्थे करीब कोई शहर कस्बा या काले वाले कोई शहर कस्बा करीब का होवे और इसी तरह हर तख्ती के उपर लोगों ने उस वेले जो सेवा कराई है उन्होंने नाम दर्ज ने। अगर मैं शुरू तो वेखा तो आखिर तक जड़ा है वो लोगों के नाम मैनू नज़र आ रहे हैं जिन्हों लोगों ने यह सेवा जी है उस वेले कराई हुई है। सो जो आप यहोजी थान के उपर जाना है असी खास ख्याल रखना है कि ऐसी किसी चीज़ में इतिहासक चीज़ में असी नुकसान नहीं पहुँचाना क्योंकि यह साडा विरसा है और इनू असी खराब नहीं होने देना। सो आजो जी अगे चलते हैं जी। लो जी इस वेले साडे नाल मौजूद ने इत्थों दे लोकल राजा वकार साहब
जो सोशल वर्कर भी ने, सहाफ़ी भी ने और बड़े सरगर्म वर्कर ने जो इत्थे दे थावां नूं लै के इन्होंने बहुत साल तो कोशिश कर रहे सी इस जगह नूं प्रिजर्व ले। सो आओ इन्हां नाल गलबात दी सांझ करदे आ। हाँ जी राजा साहब, तुहानू जी आयां नूं कहिंदे आ जी अज दे प्रोग्राम दे विच। राजा साहब, तुसीं इस इमारत बारे, इस गुरु घर बारे की कुछ अपने बजुर्गों कोलों या आल दुआल दे लोकां कोलों की सुनिया कि अज तो सैकड़ियां साल पहले या जो इस गुरुद्वारा साहब बनाया गया या 47 तो बाद इस गुरुद्वारा साहब का की हाल से, कितनी को खूबसूरती सी इस। पहला तो मैं थोड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करांगा कि तुसी मेरे शहर दे विच आए ते मेरे शहर की एक बड़ी हिस्टोरिकल जिहड़ी बिल्डिंग है तुसी उसनू अज कवर कर रहे हो। मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 50 साल तो ज़्यादा है और मैं आपे इस गुरुद्वारे नूं बड़े अच्छी कंडीशन दे विच देखिया वा। 92 दे विच साड़ा इत्थे जेलम दे विच एक बहुत वड्डा सैलाब आया सी। दरिया दे कंडे दे होने दी वजह तो ये सैलाब दा पानी सी जिहड़ा ये थले वाले फ्लोर दे विच तकरीबन 8-8 फुट ये पानी सी और जिस दी वजह तो इस गुरुद्वारे की हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई है। असा अपने वड्डियां कोलों ते क्योंकि मैं हिस्ट्री दा तालिब इलम सी, कॉलेज विच मैं अपने प्रोफेसर साहिबान दे कोल अक्सर इस दे बारे पुछदा सी क्योंकि ये 47 दे विच जिसले वंड पई और ये गुरुद्वारा खाली हो गया ते ये उस वक्त ते तकरीबन कोई 3-4 साल होए सन इस गुरुद्वारे नूं बनिया होना ते इस गुरुद्वारे की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी होंदी सी। फिर इस दे विच कुछ अरसा एक गुरुद्वारा खाली रहा 47 तो बाद ते फिर ये पुलिस ने इस दा केयर टेकर पुलिस वाले बन गए ते पुलिस ने तकरीबन 35 साल ये गुरुद्वारा उन्होंने कंट्रोल दे विच रहा। उस तो बाद साढ़े जेड़े गुज़श्ता साल दे साढ़े DPO DC साहब सन राव परवेज अख्तर साहब उन्होंने अगे मैं एक मसला रखिया कि मेरी कोशिश होंदी सी क्योंकि मैं सहाफत तो भी मुंसलिक हाँ, मैं गुज़श्ता 20 साल तो TV का रिपोर्टर हाँ तो मैं रिपोर्टिंग करता सी अक्सर JLM दे विच कोई आला हुकाम आते सन, कमिश्नर वगैरह आते सन तो मैं इस गुरुद्वारे के बारे जिक्र जरूर करता सी। मैं ये कहता सी कि जद तक असी दूसरे मज़हब के मजहबी मकाम नू प्रिजर्व नहीं करते, असी उन्हूं उदा तकद्दस पामाल हो रहा उन्हूं महफूज नहीं करते, उतनी देर तक साडा मज़हब मुसलमाना दा मज़हब कंप्लीट नहीं होता। ये एक पॉइंट लैके मैं चलिया सी ते गुज़श्ता कोई 10-12 साल इस मेहनत दे विच लगे। बड़ा रब ने करम कीता कि साढ़े जड़े पिछले साल इत्थे शाकर दावड़ साहब DPO साहब सन उन्होंने नाल जिसले ये मुद्दा रखिया ते उन्होंने मेरी इस काम नू बड़ा एप्रीशिएट किया। DC साहब राव परवेज अख्तर साहब दे नाल और शाकर दावर साहब की मेहनत दे नाल उन्हां दी मदद दे नाल असां इह पुलिस कोल गुरुद्वारा खाली करा के वैक्यूटस दे हवाले कराया। उस तों बाद जिस तरह तुहाडे नॉलेज विच है कि JLM दे विच रंजीत नगारा एक NGO है जिहड़ी अमेरिका तो उन्होंने JLM दे कुछ इतिहासिक जिहड़े कहदा गुरुद्वारे सन उन्होंने प्रिजर्व किया ते मैं उन्हां कोल ए वी लै के गया कि मुद्दा कि साढ़े शहर का एक अहम बिल्डिंग है इसनों ही तुसी कदा जिहड़ा मजहबी तरीके दे नाल जिहड़ी इसकी रेनोवेशन है उस तरह इनू करो ते उन्होंने इसकी सैंपलिंग कंप्लीट कर दिती है। इस दे उपर जिहड़ी कदा बिल्डिंग है उसके सैंपल बन चुके हैं, लाहौर के स्पैशलिस्ट जिहड़े कदा बिल्डिंगा नू रीस्टोर कर दे उन्होंने इस दे सैंपलिंग कंप्लीट कर दिती है। हुण मामलात DC साहब दे नाल इस दे सैंपलिंग इंप्रूव होने दे नाल उम्मीद की जा रही है कि कुछ अरसे तक इसका काम शुरू हो जाएगा। जिस तरह JLM शहर दे दूसरे गुरुद्वारे प्रिजर्व हो रहे ते ए भी एक हिस्टोरिकल गुरुद्वारा जिहड़ा बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्ट दे नाल बनया, बहुत ही इसका डिज़ाइन बड़ा एक खूबसूरत है। इस दे नाल एक सिख संगत का मजहबी मकाम प्रिजर्व होएगा। दूसरा जिहड़ी मेरे एक अदा दिल दे विच ख्वाहिश है कि क्योंकि ये मिडल ऑफ टाउन JLM शहर के बिल्कुल दरमियान दे विच है ते जिथे
ये रेनोवेट होंदा है, तैयार हो जाता है, तो फिर संगतां जिसले साढ़े शहर आया करनगियां, तो साढ़े शहर के संताली तो पहलों का जिहड़ा माहौल है, एक तुहाडी जिहड़ी पग दे नाल इत्थे एक पहचान होएगी, तो ये इस दे नाल जेलम दे विच एक नवा कल्चर डिवेलप होएगा, क्योंकि जेलम शहर दे विच अनफॉर्चुनेटली इत्थे जेलम दे विच कोई सिख मज़हब तो तलक रखने वाले दूसरे शहरों के हैं, लेकिन जेलम दे विच नहीं है। लेकिन संताली तो पहला इत्थे बहुत ज़्यादा सिख फैमिलीज रहिंदियां सन। जी मेरे को तो मैं तुहाडे कोल इही सवाल करना चाह रहा सी कि जेलम शहर दे नाल बहुत सारे वड्डे वड्डे लोकां दीयां यादां जिहड़ियां ने जुड़ियां होईयां ने। जे ज़िला जेलम की गल करिए तां दो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जिहड़े ने उह ज़िला जेलम तो बने ने, ते अगर सिख लोग जदों आणगे, चूंकि इत्थे लोकल नूं बड़ा इस चीज़ का फायदा होगा, उन्हां दा चूंकि इतिहास इत्थे है, उन्हां दीयां जड़ां इत्थे ने, ते जदों उह आण उह गुरद्वारा साहब तो अलावा इत्थे होर किहड़ियां किहड़ियां थावां वेखण वालियां ने जिथे वह जा सकते ने। देखो जी, ये जेलम शहर जिस जगह पर इत्थे खड़े हाँ, इस दे बिल्कुल अद्धे किलोमीटर के अगे मनमोहन सिंह जी का इंद्र कुमार गुजराल साहब का घर है, वो इत्थे बड़े मशहूर वकील सन। साड़ी सिविल लाइन के उपर जिहड़ी कदा कुछ पुराने कदा कह लो कि कोठियां सन, वो इस वक्त तक अली तक महफूज हैं। वक्त के नाल नाल पुरानी बिल्डिंगां का रवाज खत्म होता जा रहा है, तो वो इस पंजाब भी है, तो वो उस पंजाब भी है कि पुरानी चीज़ों कदा खत्म करके इतने नवे डिजाइना दी बिल्डिंगां बन गई। लेकिन जेलम दे विच मैं कहांगा कि इतने हली भी होर भी चीज़ा हैं। जेलम दे विच इत्थे तुसा जिक्र किया कि परसनैलिटी दे विच इत्थे इंद्र कुमार गुजराल साहब ओ जेलम तो सन, मनमोहन सिंह जी जेड़े इंडिया दे प्राइम मिनिस्टर सन ओ भी जेलम सन, ते मैं बड़े अपने बड़े वड्डे फॉलोअर हाँ मैं गुलजार साहब का जी, ओ उन्हां दा भी तलक जेलम तो सी। जेलम बड़ी एक हिस्टोरिकल जगह है, इत्थे बड़े बड़े वड्डे नावां ने जन्म लिया जी। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਵਕਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਹਾਫ਼ੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ ਚਲੀਏ। ਬਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਖੰਡਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗਤ ਸੀ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਲਣ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਰਾ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ। 1943 ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੋਟਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਖਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਤਖਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ,
लेकिन ये एक इतिहास दर्ज है। सानू इन तख्तियों तो पता लगता है कि आल दुआल के कि पिंड सिख लोग मौजूद सन। इस तख्ती के उपर भी बीवी लक्ष्मी देवी ने दा नाम दर्ज है। उन्होंने अपने पिता अपने पति सरदार संत सिंह की याद दे विच और अपने सपुत्र काका प्रीतम सिंह की यादगार दे विच दान दिता 13 अप्रैल विसाखी वाले दिन 1943 वेखे। और इस तरह ही रास्ता उपर जाता है, लेकिन जिस तरह पहले भी इस चीज़ का जिक्र हो चुकया है कि 92 दे विच और 2010 दे विच सैलाब आने कारण इस गुरुद्वारा साहब नूं काफ़ी नुकसान पहुँचा। और जिस तरह असीं जिक्र किया सी कि इत्थे एक खूह भी मौजूद है, तुसीं वेख सकदे हो पुराना खूह जिहड़ा है वह इत्थे मौजूद है। हो सकता है उस वेले पानी पीण वास्ते जिहड़ा है, वैसे तो दरिया बिल्कुल नाल सी, लेकिन इहदे बावजूद जिहड़ा है वह एक खूह बनाया गया और उस वेले लोगों ने इहदी सेवा की। सो यह पुरातन वह चीज़ा ने जो समय के नाल नाल अजक नवीं हो गई ने, मोटर्स आ गए, पंप्स आ गए, वॉशरूम बन गए, लेकिन चूंकि उस वेले यह चीज़ा नहीं सन, सो इन चीज़ों की वरतों की जाती सी। खूह उस वेले एक अहम जरिया सी, इहदे अंदर ही पीण वाला पानी जिहड़ा है वह जखीरा किया जाता सी। और इस खूह के नाल नाल होर काफ़ी जगह है। शिकागो USA के रेजिडेंट हाँ, तो साढ़े नाल जे असी तकरीबन 20 जाने का जत्था है। सो इतने आके बहुत चंगा लगे जी, इतने बड़ा प्यार मिलता है। लो जी, इस तरह आपां पहले भी गलबात कर रहे थे कि साडा इतिहास है और इतिहास जिहड़ा है वह किसी भी कौम के लिए कितना का जरूरी होंदा है, क्योंकि जड़ां जिहड़ियां ने यह असी इहदे नाल जुड़े हुए हैं। वेखो मेरे नाल जिहड़े सिख भरा तुसीं वेख रहे हो, यह सत समुंदरों पार खिंचे चले आ रहे ने इन्हां अस्थानां नूं वेखण लई, इन्हां दे दर्शन करन लई। नाल दे नाल तुसीं आपां पहले भी इस चीज़ के उपर गलबात कर चुके हैं कि रोज़ाना सुबह शाम की अरदास दे विच असी इन्हां थावां नूं याद करते हैं। सो आओ, मैं इत्थे मेरे को कुछ लोग मौजूद ने, इन्हां को पुछदे हैं कि किधरों आए ने और इन्हां नूं इत्थे आ के किदां दा महसूस हो रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी वीर जी, अगर तुसीं सब तो पहले अपना नाम दस दिओ साडे वेखण वालियां नूं तां वधिया हो जाएगा, और किधरों आए वह भी जरा दस दिओ जी। मेरा नाम इरवनप्रीत सिंह है, तो बहुत दे जत्थे दे नाल शिकागो तो सारे जने आए ने, कुछ कैनेडा तो, कुछ अमेरिका दे कैलिफोर्निया दे स्टेट तो जी। तो असी विसाखी नूं आके सारे जड़े इतिहासक गुरद्वारे ने उन्हां दे उन्हां नूं वेख के वो हैरीटेज नाल अपना जड़ा साडा विरसा पुराना उहदे नाल जुड़ के असी उस चीज़ का एहसास सारे करना चाहते सी। ते नाल ही क्योंकि विसाखी बहुत अहम है सिख इतिहास विच, इहदे विच 1699 की विसाखी नाल सारे वाकफ ने, पर नाल ही जिहड़ी गुरु नानक साहब का असली गुरपुरब विसाखी का जिहड़ा हैगा वह जिवें पाल सिंह भुरेवाल हरां ने अपने कैलेंडर विच सारिआं नाल सांझा कीता सिख कैलेंडर विच, असी उस नूं समर्पित सारे जत्थे नाल उस इतिहासिक दिहाड़िआं नूं इस 2 हफ्तिआं नूं मनाउण पहुंचे। अच्छा, एक गल बहुत अहम है कि तुहाडा क्या पिछोकड़ पाकिस्तान दे नाल कोई जुड़िया होया है? वड वडेरे तुहाडे इत्थों गए सी या इंडिया तों ही सीगे? पार्टीशन, मेरी दादी दा जन्म मियांवाली काला बाग दा, ते उस तों इलावा साडी परसनली फैमिली तों इमीजिएट तां नहीं हैगा, पर जे आपां DNA टैस्ट जिवें कराया हैगा उहदे विच कई रिश्तेदार साडे इत्थों दे ही ने, मियांवाली दे निकलणगे ने, बस सब जगह दे ही ने, दूर दुराडे पहुंचे ने हुण तां, ते उस तों पता लगदा हैगा साडा पिछोकड़ तां जिहड़ा मेनली इत्थों दा ही है। अच्छा, पाकिस्तान आउण तों पहले
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਉੱਥੇ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡਸ ਦੀ ਲੈਂਡ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਲਾਰਡ ਲਾਰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਧਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਲੋਕਲ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕਿਊਰੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਇਸੇ ਹੀ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ, ਇਸੇ ਹੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ USA ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਜਾਣੇ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਫੈਮਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਕੀਮਤੀ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਗਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਾਕ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਰਕ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਔਰ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ 1947 ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜੋ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਲਾਅ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਜੀ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚਮਕ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਚਮਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ ਜੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ USA ਤੋਂ ਆਇਓ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਓ? ਸ਼ਿਕਾਗੋ, USA ਤੋਂ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਆਇਓ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਜਮਸ਼ੇਰ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਜਮਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਮਸ਼ੇਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਾ 47 ਤੋਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਮੇਰੀ 83। 83 ਈਅਰਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹੈ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਮਪਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਪੌ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੋਟੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਕੋਟੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਾਗਵਾਨਪੁਰ, ਲਾਹੌਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਹੌਰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਾਗਬਾਨਪੁਰਾ ਦੇ। ਬਾਗਬਾਨਪੁਰਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਬਾਗਬਾਨਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬਾਗਬਾਨਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ, ਇੱਕ ਗਵਾਹ 47 ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 47 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 47 ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ 4 ਘਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਲਮੀਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ, ਸਹੀ, ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਓਗੇ ਲਾਹੌਰ ਫਿਰ ਬਾਗਬਾਨਪੁਰੇ ਜਾਓਗੇ ਵੇਖਣ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਓਗੇ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ? ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਗਬਾਨਪੁਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਅਰਵਿੰਦ ਵਿਰਕ ਹੈ ਨਾਮ। ਅਰਵਿੰਦ ਵਿਰਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਲ ਦੁਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਨ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਲੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਲੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਵਾਈਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਹਲਮ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਐਮਨਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਯਾਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜੇਹਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਹਾਫ਼ੀ ਲੋਕਲ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਵਕਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਰਨਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ,
उन्होंने नाल भी गलबात की और उन्होंने दसिया कि साड़ियाँ जड़ा ने असी ये नाल जुड़े हुए हाँ ता ही सत समुद्रों पार एक खिच है जो खिच उन्होंने इतने तक लैके आती है और असी भी अरदास करांगे असी भी उम्मीद करांगे कि जिहड़े ऐसे साड़ी विरासत है जिहड़े साड़े धर्मक स्थान ने वो जरूर खुलन और वध तो वध सिख भरा साड़े सिख वीर जिहड़े बाहरों आते हैं या जिहड़े चढ़ते पासे रहिंदे ने वो भी जरूर आन और इन्हां दे दर्शन करन इन्हां दर्शनों के नाल जिथे उन्होंने सुकून मिलेगा वो नाल पाकिस्तान की टूरिज्म भी वधेगी इत्थे जिहड़े आम लोग ने उन्होंने भी बड़ा फायदा होएगा। सो उम्मीद करते हैं आस रखते हैं कि यह फायदा जड़ा है दोवां पासे लोगों नू होंदा रहे और इहदे नाल ही असी तुहाडे कोल इजाजत चाहवांगे जी। होपफुली ऐसे ही एक खूबसूरत और इतिहासक थान के उपर फिर आप जी दे रूबरू होवांगे। तुसी साडा यह प्रोग्राम जड़ा है वो सैटेलाइट के जरिए डिस्कवर पाकिस्तान से भी वेख सकते हो और यूट्यूब और फेसबुक पर भी वेख सकते हो और तुसी सानू कीमती राय भी जरूर देना जरूर दसना कि साडा प्रोग्राम किहो जिहा लग्या। सो हुण भुपिंदर सिंह लवली और साड़ी सारी टीम नू इजाजत दिओ जी। सत श्री अकाल पाकिस्तान।